अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी वीडियो है ये बायोलॉजी के रैंडम एमसीक्यूज हैं, 50 एमसीक्यूज हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 एमसीक्यूज बायोलॉजी से रिलेटेड हैं। जैसे मैं पहले वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ लेक्चरर बॉटनी बायोलॉजी जोलॉजी की प्रिपरेशन के हवाले से, तो लास्ट कुछ दिन लास्ट जो पूरा 8-10 दिन जो गुजरे हैं मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर सका, थोड़ा बिजी था। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ्री हूँ। अब इंशाल्लाह डेली बेसिस पे कोशिश करूँगा कि वीडियोस नेक्स्ट लेक्चर की मैक्सिमम इसी मार्च के मंथ में ही जितना मेरे पास डेटा है वो मैं अपलोड करूँ, और दरमियान में बायोलॉजी से रिलेटेड, बॉटनी से रिलेटेड, जोलॉजी से रिलेटेड रैंडम एमसीक्यूज, ताकि रैंडम एमसीक्यू से ये हो जाएगा कि उनसे मिलते जुलते प्रिपरेशन के हवाले से काफ़ी सारे पॉइंट सामने आ जाते हैं। तो उसी सिनेरियो में आज की जो वीडियो है इसमें बायोलॉजी से रिलेटेड 50 एमसीक्यूज हैं। अब हम अपने एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। पहला एमसीक्यूज है द फेज विच कॉज लाइसोजेनी इज कॉल्ड। कौन फेज, यहाँ पर किसके लिए वर्ड यूज किया गया है? ये बैक्टीरियोफेज से, बैक्टीरियोफेज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि कौन सा फेज यानी कि बैक्टीरियोफेज लाइसोजेनी काज करता है, वो होता है टेम्परेट फेज। क्योंकि ये जैसे ही होस्ट सेल के अंदर एंटर होता है तो ये होस्ट के सेल को फौरन उसको कंट्रोल करके अपनी बायोसिंथेटिक मशीनरी की, उसके होस्ट की बायोसिंथेटिक मशीनरी को फौरन कंट्रोल नहीं करता बल्कि वहां पर स्टे करता है, उसके डीएनए का पार्ट बनकर अपनी ग्रोथ करता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 है एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय। देखिए, व्हाइट ब्लड सेल के कुछ पोर्शन है जिन्हें लिम्फोसाइट कहते हैं, उनमें टी लिम्फोसाइट होते हैं और बी लिम्फोसाइट होते हैं। तो एंटीबॉडीज कौन से लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करते हैं? वो बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस करते हैं, जो हमारी इम्यूनिटी के अंदर बहुत रोल प्ले करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड सीरम हेपेटाइटिस। तो ब्लड प्रोडक्ट से रिलेटेड है, तो कौन सा हेपेटाइटिस है जो जिसे हम सीरम हेपेटाइटिस भी कहते हैं? वो होता है हेपेटाइटिस बी, क्वेश्चन नंबर 3 का ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 है विच एटमॉस्फेरिक लेयर सपोर्ट्स बैक्टीरियल लाइफ। देखिए ना, बैक्टीरिया लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ को जो सपोर्ट कर रहा है अर्थ इन्वायरमेंट के अंदर, जहां पर लाइफ प्रेजेंट है, तो वो एटमॉस्फेयर की कौन सी लेयर है? वो है स्ट्रेटोस्फेयर। अब स्ट्रेटोस्फेयर बैक्टीरियल लाइफ, इट मींस ऑर्गेनिक लाइफ, मतलब जानदार जहां रहते हैं, तो वो स्ट्रेटोस्फेयर ही, एटमॉस्फेयर की जो लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर, ये बैक्टीरियल लाइफ या जानदारों की लाइफ को सपोर्ट क्यों करती है? असल में इसकी वजह ये है कि स्ट्रेटोस्फेयर एटमॉस्फेयर की वो लेयर है जिसको ओजोन ने कवर किया हुआ है। हाई अल्ट्रावायलेट रेज यहाँ पर पेनिट्रेट नहीं होती, तो इसलिए यहाँ पर लाइफ पॉसिबल है। क्वेश्चन नंबर 4 का ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5 है विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग ग्रेटर पैथोजेनिसिटी इन बैक्टीरिया। कि बैक्टीरिया को पैथोजन, उसकी जो पैथोजेनिसिटी की जो एबिलिटी है, उसको कौन रेस्पॉन्सिबल है? वो बैक्टीरिया की एनवेलप में एक लेयर होती है जिसे स्लाइम कहते हैं, ये बैक्टीरिया की पैथोजेनिसिटी की वजह बनता है। क्वेश्चन नंबर 5 का बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 है स्पेशलाइज्ड रीजन एनालॉगस टू माउथ इन प्रोटोजोन। प्रोटोजोन के माउथ के एनालॉगस स्ट्रक्चर कौन सा है? तो इन ऑप्शन में से कोई भी नहीं है, क्वेश्चन नंबर 6 का डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 है विच अल्गल डिवीजन नेवर प्रोड्यूस मोटाइल फ्लैजिलेटेड सेल। कि अल्जी की कौन सी डिवीजन है जिसमें मोटाइल फ्लैजिलेटेड सेल कभी भी प्रोड्यूस नहीं होते? वो अल्गा का कौन सा ग्रुप है? वो है रेड अल्जी, क्वेश्चन नंबर 7 का ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 है पायरेनाइड्स इज फाउंड इन। तो पायरेनाइड किस में पाए जाते हैं? तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि पायरेनाइड्स होते क्या हैं। ये इसमें कुछ इंजाइम्स भी होते हैं जो रुगलिना के अंदर फोटोसिंथेटिक प्रोसेस के लिए हेल्प करते हैं, और दूसरा पायरेनाइड्स के अंदर स्टार्च मौजूद होती है, क्वेश्चन नंबर 8 का ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 है लैमिनेरिया इज, लैमिनेरिया क्या है? ये किंगडम प्रोटिस्टा में प्लांट लाइक प्रोटिस्ट यानी कि अल्जी से रिलेटेड, अल्जी से बिलोंग करता है, और फिर कौन सी अल्जी से? ये ब्राउन अल्जी से बिलोंग करता है, क्वेश्चन नंबर 9 का बी ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर 10 है, सीड इज फॉर्मड ओनली इन, कि इन चार ऑप्शन में देखना है कि सीड किस में प्रोड्यूस होता है। एंजियोस्पर्मी में, हमें पता है कि एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट्स को कहते हैं, इसमें भी सीड प्रोड्यूस होते हैं। क्वेश्चन नंबर बी ऑप्शन है जिम्नोस्पर्म, ये नॉन फ्लावरिंग है लेकिन सीड यहां पर भी प्रोड्यूस होते हैं। ऑप्शन जो डी है फेलिसिनी, ये क्या है, ये स्पोर प्रोड्यूसिंग वास्कुलर प्लांट है तो इसमें सीड नहीं होते। तो 10 क्वेश्चन का सी ऑप्शन बोथ ए एंड बी, क्योंकि जिम्नो और एनजियो दोनों में सीड प्रोड्यूस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, ड्यूरिंग ग्रोथ इन प्लांट द फाइनल साइज इज अटेंड ड्यूरिंग। तो सबसे पहले देखते हैं कि ग्रोथ क्या चीज है। ग्रोथ में क्या होता है कि बॉडी के सेल्स की तादाद में इजाफा होता है, जिससे बॉडी की हाइट है, बॉडी की गिर्थ है, दोनों में इजाफा होता है, तो हम इसे ग्रोथ कहते हैं। तो पौधों की ग्रोथ की वो कौन सी स्टेज है जिसमें पौधे की बॉडी के स्ट्रक्चर अपना मैक्सिमम साइज अटेन कर लेते हैं, तो उस स्टेज को कहते हैं मैच्योरेशन। क्वेश्चन नंबर 11 का बी ऑप्शन, क्योंकि पौधे की ग्रोथ की जो ग्रोथ की चार अहम फेजेस होती हैं, सबसे पहले होता है कि भी सेल की तादाद में इजाफा होना, सेल डिवीजन है, उसके बाद है इलांगेशन का स्टेप होता है कि सेल अपने साइज को क्या करते हैं, इनहांस करते हैं, इंक्रीज करते हैं, उसके बाद फिर मैक्सिमम साइज अटेन करते हैं, उस स्टेज को कहते हैं मैच्योरेशन। और फोर्थ स्टेज पे क्या करते हैं कि अपना मैक्सिमम साइज बना लेने के बाद वो फिर फंक्शनली एक्टिव हो जाते हैं, जिसे हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो मैक्सिमम साइज अटेन करने वाली स्टेज का क्या नाम है, मैच्योरेशन। क्वेश्चन नंबर 11 का बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12 है, अ जीन व्हिच इज एडिटेड टू एम्पलीफाई, डिलीट, इंसर्ट और साइलेंस द अदर जीन। ऐसा जीन जो दूसरे जीन्स की एम्पलीफाई के लिए एडिटेड, डिलीट कर सकता है, इंसर्शन में यूज होता है, तो उस जीन का क्या नाम है, सबजेनिक जीन। क्वेश्चन नंबर 12 का ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 है, सीवियर कंबाइंड अमीनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम SCID इज एन एग्जांपल ऑफ, ये एक्सवीवो जीन थेरेपी में इसकी ट्रीटमेंट की जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 का बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच पोर्शन ऑफ द प्लांट अनलाइक अदर इज वायरस फ्री, कॉर्टेक्स पे भी अटैक कर सकता है, पिथ पे भी अटैक कर सकता है, मेरिस्टेम, ये क्या होता है, ये अदर पार्ट्स के मुकाबले में वायरस फ्री होता है। क्वेश्चन नंबर 14 का ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15 है, यूस्टैकियन ट्यूब कनेक्ट विद थ्रॉट इन ह्यूमन, यूस्टैकियन ट्यूब इंसान के गले के साथ कनेक्ट करता है किसको, मिडल एयर को। क्वेश्चन नंबर 15 का ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16 है, सेप्रोबिक फंजाई एंकर टू द सबस्ट्रेट बाय मॉडिफाइड हाइफी कॉल्ड। सेप्रोबिक फंजाई कौन सी फंजाई है, ऐसी फंजाई है जो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल को डिकम्पोज करके वहां से खुराक को एब्जॉर्ब करती है। तो रूट, तो फंगस के पास भी रूट्स की तरह के स्ट्रक्चर होते हैं जो इन्हें मिट्टी के अंदर जकड़ के रखते हैं। तो यहाँ पर लव्स यूज हुआ है सबस्ट्रेट, तो जिस जगह पर फंजाई ग्रो करती हैं, ये ग्रो उसी जगह करती हैं जहां मिट्टी के अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। तो जहां ऑर्गेनिक मटेरियल होता है मिट्टी के अंदर सॉइल में, हम उसे सबस्ट्रेट कहते हैं। तो फंगस एक खास किस्म की हाइफी के जरिए जमीन में जकड़ी होती है जो उनके लिए रूट की तरह का काम करती है, तो उनको कहते हैं राइजाइट्स। 16 क्वेश्चन का बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17 है, रेमेलिना इज, ये फ्रूटिकोज लाइकन की एक एग्जांपल है। क्वेश्चन नंबर 18 है, राइजोपस फाउंड ग्रोइंग ऑन स्पॉइलेज स्पॉइलिंग मॉइस्ट ब्रेड एंड फ्रूट बिलोंग्स टू, नमी वाली ब्रेड हो गई, फ्रूट्स हो गई, यहां पर जो राइजोपस ग्रो करती है ये फंगस के कौन से ग्रुप से ताल्लुक रखती है, ये जाइगोमाइकोटा से ताल्लुक रखती है। क्वेश्चन नंबर 18 का ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 19 है, हाउ मेनी एस्कोस्पोर आर प्रोड्यूस इनसाइड अ सिंगल एस्कस। अब यहां ऑप्शन ए में है 7, ऑप्शन बी में है 5, ऑप्शन सी में है 9, तो इनमें से कोई ऑप्शन भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 का डी ऑप्शन, नन ऑफ दीज। तो असल में एक एस्कस के अंदर कितने एस्कोस्पोर प्रोड्यूस होते हैं, तो देखिएगा
कि स्पोर मदर सेल से चार स्पोर बनते हैं और फिर चारों क्या करते हैं, माइटोसिस करते हैं, आठ स्पोर प्रोड्यूस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच ऑफ दीज प्लांट्स डू नॉट हैव वास्कुलर टिश्यू। तो हॉर्सटेल भी ट्रेकियोफाइट से ताल्लुक रखता है, क्लब मोस भी ट्रेकियोफाइट से ताल्लुक रखता है। तो जो हॉर्नवॉर्ट्स है ये एंथोसिरोप्सिडा सब डिवीजन से बिलोंग करता है, जो कि ब्रायोफाइट से ताल्लुक रखते हैं, जिनके अंदर जाइलम फ्लोएम यानी कि वास्कुलर टिश्यू नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 20 का बी ऑप्शन। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 21 है, सिंपलेस्ट ऑफ ऑल ब्रायोफाइट्स आर, के कौन सा ब्रायोफाइट सिंपलेस्ट है। क्वेश्चन नंबर ए, उसका ऑप्शन नंबर ए है मोसेस, दूसरा है हॉर्नवॉर्ट्स, तीसरा है लिवरवॉर्ट्स। तो इनमें जो पहला ग्रुप है हिपेटिकॉप्सिडा ब्रायोफाइट का, तो वही क्या होगा, सिंपलेस्ट होगा। तो उसकी एग्जांपल है लिवरवॉर्ट्स, जिन्हें हम कहते हैं। तो लिवरवॉर्ट्स क्या है, ये सिंपलेस्ट ब्रायोफाइट्स हैं, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22 है, आर्म्स आर एब्सेंट इन क्लास, कौन सी ये इनवर्टिब्रेट्स की क्लासेस हैं, किस में आर्म्स नहीं होते। ऑप्शन नंबर ए है एक्नाइडी, तो इसमें आर्म्स नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 23 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्यूनिकेट्स, जिनमें ट्यूनिक्स मौजूद होते हैं हम उन्हें कहते हैं, उसके एम्फेक्सिस में भी नहीं होते, ये भी बिलोंग नहीं करता। केक अर्चन भी नहीं है, जो बी ऑप्शन है मोलगुला, ये क्या है, ये ट्यूनिकेट्स है। क्वेश्चन नंबर 24 है, डायस्टेमा इज अ लार्ज स्पेस सेपरेटिंग इंटीरियर एंड पोस्टीरियर टीथ एंड इज फाउंड इन, ये जो देखिए ना, इंटीरियर और पोस्टीरियर, जो हमारे इंटीरियर पोस्टीरियर टीथ है, इनके दरमियान जो स्पेस है डायस्टेमा कहते हैं, ये मैमल्स में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 25 है, लार्जेस्ट मैमेलियन ऑर्डर इज, तो कौन सा लार्जेस्ट मैमेलियन ऑर्डर है। ए ऑप्शन है रोडेंशिया, और असल में यही लार्जेस्ट ऑर्डर है मैमेलियन का। क्वेश्चन नंबर 25 का है ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 26 है, फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स इज, वो सिंगल यूनिट को हमने यहाँ पर ऑप्शन में लेना है, हालांकि बी ऑप्शन में एल्वियोलाई भी है जो कि उसकी जमा है, तो हम यहाँ पर एग्जैक्ट ऑप्शन किसको टिक करेंगे, ए को, एयर सैक जिसे एल्वियोलस भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, हाउ मेनी आयरन आइंस एटम्स आर प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन, के एक हीमोग्लोबिन में कितने आयरन एटम्स होते हैं। देखें, एक हीमोग्लोबिन जो एक प्रोटीन है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन है, ये चार अमाइनो प्रोटीन की चेन से बनी होती है, दो अल्फा दो बीटा, हर एक चेन के साथ एक आयरन एटम लगा होता है। तो एक हीमोग्लोबिन में जब चार प्रोटीन की चेन होगी तो आयरन एटम भी कितने लगे होंगे, चार। तो इसी वजह से एक वक्त में एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल चार ऑक्सीजन एटम को अपने साथ बाइंड कर सकता है। तो 27 क्वेश्चन का ए ऑप्शन यानी कि फोर आयरन एटम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, कास्पेरियन स्ट्रिप्स रिटार्ड विच प्रोसेस। तो पहले तो ये देखें, कास्पेरियन स्ट्रिप्स खुद क्या है। असल में ये यूनिसेलुलर सेल्स की लेयर्स हैं जो कि एंडोडर्म के सेल्स के ऊपर होती हैं। तो ये एपोप्लास्टिक पाथवे को, एपोप्लास्ट या एपोप्लास्टिक पाथवे को ब्लॉक करती हैं और उसको साइटोप्लाज्म में कन्वर्ट करती हैं। ए ऑप्शन 28 का। क्वेश्चन नंबर 29 है, इट इज द सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड प्रोटोप्लास्ट इनटू द रूट सेल। तो देखिए, रूट के जो सेल हैं उनका जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है वो आपस में जुड़ा हुआ है, एक से दूसरे के साइटोप्लाज्म में, दूसरे सेल से तीसरे सेल में जाएंगे तब साइटोप्लाज्मिक पाथवे को वो क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। तो ये असल में कौन सा पाथवे बनता है, सिंपलास्ट पाथवे। 29 का ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 30 है, विच ऑफ दीज आर अनपेयर्ड फिन्स इन फिशेस। तो अनपेयर्ड फिन मछलियों में कौन से होते हैं, वेंट्रल साइड पे होते हैं, उन्हें हम वेंट्रल फिन भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 का ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 31 है, इन ह्यूमन द नंबर ऑफ पेल्विक वर्टिब्री इंसान की बॉडी में कितनी होती हैं, जो कि हमारे कूल्हे वाले हिस्से में होती हैं, ये टोटल 9 होती हैं, 4 और 5 की शक्ल में। क्वेश्चन नंबर 31 का बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 32 है, विच ग्लैंड वाज इवॉल्व फ्रॉम अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एंडोस्टाइल। तो कौन सा ग्लैंड होता है, असल में ये हमारे जो नेक रीजन में होता है, थायराइड ग्लैंड इसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 का बी ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर 33 है, इन ह्यूमंस पैराथायराइड्स आर फाउंड, कितने पैराथायराइड्स होते हैं? ये चार होते हैं, साइड वाइज मौजूद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, चार्ल्स लाइल वाज, तो इसका काम हम एवोल्यूशन में पढ़ते हैं और बेसिकली ये बाय प्रोफेशन क्या था, कौन थे? जियोलॉजिस्ट थे। 34 का ए ऑप्शन। 35, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग इज एसोसिएटेड विद, एक होते साउदर्न ब्लॉटिंग और एक ये है नॉर्दर्न ब्लॉटिंग। जो नॉर्दर्न ब्लॉटिंग वाला मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में एक प्रोसेस है, बायोटेक्नोलॉजी में भी हम इसे पढ़ते हैं, ये आरएनए से रिलेटेड होता है। आरएनए की सीक्वेंसिंग है, आरएनए के फंक्शंस हैं, मुख्तलिफ बायोलॉजिकल प्रोसेस में जो भी इनका किरदार है इनकी, तो उस हवाले से हम कौन सा प्रोसेस हम बेसिकली स्टडी करते हैं? नॉर्दर्न ब्लॉटिंग को। क्वेश्चन नंबर 35 का ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 36 है, द प्लांट ग्रोइंग अंडर शेड आर कॉल्ड, जो साई में ग्रो करते हैं हम इन्हें शियोफाइट्स कहते हैं। 36 का बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 37 है, फाइटोक्रोम्स आर द सेंसिटिव प्रोटीन पिगमेंट, फाइटोक्रोम्स जो प्लांट के अंदर बायोरिथम्स प्रोड्यूस करते हैं फ्लावरिंग प्रोसेस के लिए भी इनको हम अहम समझते हैं, तो ये ब्लू लाइट के लिए सेंसिटिव होते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 का बी ऑप्शन। 38 है, इट इज 10 ओ क्लॉक, ब्लैंक है माई वॉच, तो इस यहाँ पर कुछ को ये वाला क्वेश्चन है इंग्लिश ग्रामेटिकली है, तो यहाँ पर जो बेसिक वर्ड सूट करता है वो करता है बाई। क्वेश्चन नंबर 38 का बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 39 है, चूज द करेक्ट सेंटेंस, देखिए पहला है दिस कैटल इज माइन, बी है दीज कैटल्स आर माइन, ऑप्शन सी है दीज कैटल आर्स माइन, और उसके बाद है नन ऑफ दीज कैटल्स, सी ऑप्शन में ये वर्ड सूट नहीं करता। यहां पर जो बेस्ट सीक्वेंस है सेंटेंस की कि ये मेरे मवेशी हैं, दीज कैटल्स आर माइन, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 40 है, द प्रो ओव्यूलेटरी सर्ज अकर अराउंड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान प्री ओव्यूलेटरी सर्ज के ओव्यूलेशन से पहले जो चेंजेस अकर होती हैं कौन से डेट पे होती हैं, ये 14th डेज पे अकर करती हैं। क्वेश्चन नंबर 40 का ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 41 है, ब्लैंक इंड्यूस लेबर पेन ड्यूरिंग बर्थ, कौन सा हार्मोन बर्थ टाइम में लेबर पेन इंड्यूस करता है, उस हार्मोन का नाम है ऑक्सीटोसिन। क्वेश्चन नंबर 42 है, प्रीकॉर्डल प्लेट पोजेस यूनिक थिकेंड पोर्शन ऑफ ब्लैंक दैट इन द कंटेक्ट विद मीजोडर्म, के मीजोडर्म के कंटेक्ट के द्वारा जो थिकेंड पोर्शन क्रिएट करता है वो किस प्लेट से इंड्यूस होते हैं, वो एंडोडर्म से होते हैं। 42 का ए ऑप्शन। 43 है, ब्लास्टोपोर इज द ओपनिंग ऑफ आर्केंटीरॉन इन, तो ब्लास्टोपोर की ओपनिंग आर्केंटीरॉन जिसे हम डाइजेस्टिव कैविटी बॉडी कैविटी भी कहते हैं, तो ये गैस्टूला स्टेज पे ओपन होती हैं, और गैस्टूला स्टेज पे। क्वेश्चन नंबर 43 का सी ऑप्शन, गैस्टूला स्टेज पे आर्केंटीरॉन की ओपनिंग होती है जिसे, और वो ब्लास्टोपोर के जरिए ओपन होती हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, अपॉन वेरी हाई टेम्परेचर विच स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम इज रैप्चर्ड, कि हाई टेम्परेचर पे प्रोएंजाइम का कौन सा स्ट्रक्चर डीजेनरेट हो जाता है, टर्शरी स्ट्रक्चर, क्योंकि एंजाइम असल में ग्लोब्यूलर प्रोटीन है और ग्लोब्यूलर प्रोटीन के अंदर टर्शरी स्ट्रक्चर डोमिनेंट होता है, और हर एंजाइम एक खास टेम्परेचर पे वर्क करते हैं, जब ये टेम्परेचर वहां से जिन्हें होता है हाई हो चला जाता है टेम्परेचर, तो उनकी बॉन्डिंग ब्रेक कर जाती है और हम कहते हैं कि एंजाइम का वेरी हाई टेम्परेचर पे ऑप्टिमम के बाद टर्शियरी स्ट्रक्चर डैमेज हो गया। क्वेश्चन नंबर 45 है, कोएंजाइम्स आर मोस्टली डेराइव्ड फ्रॉम, देखें कोएंजाइम के जो रॉ मटेरियल हैं वो विटामिंस हैं, और फिर विटामिंस में कौन सा मोस्टली यूज होते हैं, वो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, मोस्टली कोएंजाइम्स विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से ड्राइव किए होते हैं, वहीं से बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 का ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 46 है, द स्पोरोफाइट ऑफ ब्रायोप्सिडा इज जनरली कंसिस्ट ऑफ, ब्रायोप्सिडा का जो स्पोरोफाइट है बेसिकली ये तीन पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है, फूड सीटा कैप्सूल पे। क्वेश्चन नंबर 47 है, स्ट्रोबिलाई आर कॉमन स्ट्रक्चर फाउंड इन, तो स्ट्रोबिलाई जो के कॉन्स
यानी कि स्पोरेंजिया की कलेक्शंस भी होता है कोन की शक्ल में, तो ये स्लेजी नैला में मौजूद होते हैं। 48 है नेशनल ट्री ऑफ पाकिस्तान, इज पाकिस्तान का जो कौमी दरख्त है जिसे हम अपनी आम जुबान में देयार भी कहते हैं, देवदार भी कहते हैं, और यहाँ हम बायोलॉजिकली क्या कहते हैं उसे, सिट्रस, और इसका जो कंप्लीट नेम क्या है, सिट्रस देवदारा। क्वेश्चन नंबर 49 है, विच ऑफ दीज इज नॉट अ पार्ट ऑफ फ्लावर, इसमें से फूल का कौन सा हिस्सा नहीं है, वो है पेडिसल, फूल की जो डंडी है। क्वेश्चन नंबर 50 है, वास्कुलर बंडल आर फाउंड इन स्कैटर्ड फॉर्म इन किस, देखे मोनोकार्ट में ये रिंग स्ट्रक्चर में होते हैं, जबकि वास्कुलर और दूसरा है डाईकार्ट के अंदर ये यानी कि रेंडमली मौजूद होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 का ए ऑप्शन। हाँ तो जी स्टूडेंट, ये थे 50 MCQs बायोलॉजी से रिलेटेड रेंडमली क्वेश्चन से, जिन्हें मैंने एक कि काफ़ी हद तक या किसी हद तक भी कह सकते हैं मैंने उनको एक्सप्लेन किया है। कोई भी MCQs आप लोगों को डाउट कहीं पर भी आ जाए, आप लोग कमेंट सेक्शन में आके लाजमी पूछिए, क्योंकि देखें मैं कहूँ ना कि मैं 100% अथेंटिक पर्सन हूँ बायोलॉजिकली, तो ऐसा नहीं, कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को प्रॉपर आंसर दूँ, प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करूँ, लेकिन फिर भी बाई नेचर हम ह्यूमंस हैं तो ह्यूमन एरर पॉसिबल है। आप लोग इन क्वेश्चंस को देखें, तो ये मैंने स्टार्ट में भी बताया आप लोगों को कि रैंडमली MCQs की वीडियोस अपलोड करूंगा। अब जैसे कि लेक्चरर बायोलॉजी फीमेल की भी सीट्स अनाउंस हो चुकी हैं, तो कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि इस पूरे मार्च के मंथ में हम अपना सिलेबस कंप्लीट करें। आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहें, बेस्ट ऑफ लक।